गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने रिसेंटली क्या क्या खरीदा। मैंने एक्चुअली एक छोटा सा हॉल किया है नायका से, अमेजोन से और H&M होम से। वैसे तो मैंने इधर उधर की थोड़ी बहुत और चीजें खरीदी थी, लेकिन जो मेरी टॉप फेवरेट चीजें थी ना, जो मुझे लगा कि शायद आपको भी पसंद आए और आपके भी काम आए, तो उन्हीं को मैं फीचर करने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स के जितने भी लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं मेरे नायका मिनी हॉल के साथ। सारे हॉल मिनी है, नायका वाले से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेनली दो ही ब्रांड्स का हॉल हुआ है नायका से, एक तो डव और एक द बॉडी शॉप। फॉर अ चेंज मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से इस बार सामान नहीं खरीदा। शावर जेल्स और बॉडी मिल्स में बाथ एंड बॉडी वर्क के ज्यादा खरीदती हूँ ना, इस बार मैंने बॉडी शॉप से खरीदा। मैंने ये दो वेरिएंट खरीदे हैं शावर जेल्स के, एक तो ऑलिव और एक मोरिंगा। और ये दो बॉडी मिल्स मैंने खरीदे, एक वनीला और एक मोरिंगा। द बॉडी शॉप को मैंने ऑन एंड ऑफ ओवर द ईयर्स यूज करा है। उनका जो सत्सुमा वाला वेरियंट का शावर जेल है ना, वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है वो। आई थिंक इट इज अ प्रीटी गुड ब्रांड, स्पेशली जो उनके बाथ एंड बॉडी वाले प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मोरिंगा वाली फ्रेग्रेंस इज अ फ्रेश फ्लावरी फ्रेग्रेंस, बहुत पसंद है मुझे। और जो ऑलिव है ना, इट हैज अ टच ऑफ लाइक अ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, बहुत ही फ्रेश और ग्रासी सी फ्रेग्रेंस है। ये दोनों बॉडी वॉश काफी अच्छे से लादर होते हैं स्किन पे, और स्किन ना एकदम ड्राई ड्राई सी फील नहीं होती है। इट एक्चुअली फील्स क्वाइट नाइस आफ्टर टेकिंग अ शावर विद दीज। सो दिस वॉज टोटली वर्थ इट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने मिस्ट खरीदे द बॉडी शॉप के। एक्चुअली टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, मैंने पता है कभी कंसिडर इसीलिए नहीं किया बॉडी शॉप के मिस्ट लेने का, बिकॉज 100 ml क्वांटिटी आती है एंड दिस इज ऑलमोस्ट 1000 rupees ईच। और बाथ एंड बॉडी वर्क्स का 230 something ml की क्वांटिटी होती है, और जब डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे होते हैं तो 700 में भी एक बॉटल आ जाती है। बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिला इन पे, और मैं जब शावर जेल्स खरीद रही थी तो मैंने सोचा कि यार चलो इनको भी ट्राई कर लेते हैं। आई डू लाइक देम, थैंकफुली मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए। बहुत अच्छी खुशबू है दोनों बॉडी मिस्ट की, स्पेशली मोरिंगा वाला मेरा फेवरेट है यार। शावर जेल में भी मोरिंगा वाला मेरा फेवरेट है और बॉडी मिस्ट में भी। द ओनली थिंग इज कि ये जो वनीला वाला मिस्ट है ना, इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो वनीला आता है ना, वनीला शुगर, वैसी ही फ्रेग्रेंस है इसकी भी। इनकी जो लास्टिंग पावर है मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स वाले मिस्ट से थोड़ी सी ज्यादा लगी, स्पेशली मेरी स्किन पे आई कुड एक्चुअली स्मेल इट इवन आफ्टर 5 hours, सो दैट्स अ गुड थिंग। व्हेन इट कम्स टू रीपर्चेसिंग देम, शावर जेल्स तो फॉर श्योर मैं रीपर्चेस करूंगी, और मिस्ट में मोरिंगा वाला मिस्ट फॉर श्योर आई विल रीपर्चेस। वनीला वाला मैं शायद फ्यूचर में बाथ एंड बॉडी वर्क्स वाला ही खरीद लूंगी, बिकॉज खुशबू भी ऑलमोस्ट सेम है और क्वांटिटी ज्यादा आती है। लास्टिंग पावर ठीक है यार, मतलब उसकी भी ठीक ही है, 3-4 घंटा वो भी चली जाता है। नेक्स्ट मैंने डव से ये दो शावर मूस खरीदे, दो वेरिएंट्स खरीदे, एक है कोकोनट और एक है डीपली नरिशिंग, मतलब ये ओरिजिनल वाला जो डव की फ्रेग्रेंस है वो वाला है। दोनों को मैं यूज कर चुकी हूँ। एक्चुअली ये जो शावर मूस आते हैं ना डव के, दे आर वन ऑफ माई फेवरेट्स, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव ट्राइड ऑल द वेरिएंट्स, मुझे इतने पसंद है, मैं इनको रिपर्चेस करती रहती हूँ। जो फ्रेग्रेंस मुझे सबसे अच्छी लगती है इन शावर मूस में, वो सबसे टॉप पे है रोज, एंड देन दिस कोकोनट वन। या इतनी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस है ना, रोज की भी और इसकी भी। रोज वाला खत्म हो गया इसलिए मैंने ये दो बाद में खरीदे। व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस, दिस इज ऑल्सो क्वाइट नाइस गाइज। सो इसको ना मैं फ्लोरल बोल सकती हूँ, ना मैं फ्रूटी बोल सकती हूँ, ना मस्की बोल सकती हूँ। ये जो एकदम जो साबुन वाली स्मेल होती है ना, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वो एक ओरिजिनल जो सोप वाली सोपी सी फ्रेग्रेंस होती है ना, फ्रेश लॉन्ड्री वाली फ्रेग्रेंस, दिस हैज दैट। मुझे ये भी बहुत पसंद आया ऑनेस्टली, बहुत ही फ्रेश सी खुशबू आती है, बट वो सेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। सेंट वाली फीलिंग आती है इससे और जो रोज वाला है उससे। आर्गन इज ऑल्सो नाइस, बट आई लाइक दिस वन एंड रोज वन बेटर। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, इनको मैं खरीदती ही हूँ अपने पैसों से, बट इफ यू एक्चुअली नॉट ट्राइड इट आउट ना, गिव इट अ शॉट, सीरियसली ट्राई इट आउट, बहुत मजा आता है यार इन्हें यूज करने में। अब मूव ऑन करते हैं अमेजोन पे, और अमेजोन से मैंने 3 चीजें खरीदी हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्रिमर खरीदा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज दिस ट्रिमर फ्रॉम फिलिप्स गाइज, इसका नाम है वन ब्लेड। वैसे तो ये ट्रिमर सेल होता है लड़कों के लिए, बट आई बॉट इट बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्लीक ट्रिमर, जो एकदम पतला सा थिन सा ट्रिमर होता है ना, वो ढूंढ रही थी मैं। ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस, और अभी इसकी कैप लगी हुई है, एक मिनट मैं निकाल देती हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रिमर इज कि जो ब्लेड है ना, वो आपकी स्किन को टच नहीं करती है, और काफी स्लीक है ये ट्रिमर। इट इज अ चार्जेबल ट्रिमर, इसके साथ ये कॉर्ड आती है इसकी, और साथ में 2 अटैचमेंट्स आते हैं, 2 लेंथ में आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। द रीजन वाई आई बॉट इट वॉज बिकॉज इसकी जो ब्लेड है वो स्किन को डायरेक्टली टच नहीं करती है, एक ना प्रोटेक्टिव सी
एक लेयर जैसी आसपास लगी हुई है ब्लेड के। वैसे तो मैं एपिलेटर यूज करती हूँ, मुझे वैक्सिंग कराए हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब 2-3 साल आराम से हो चुके होंगे, बट एपिलेटर में ना टाइम जाता है, तो कई बार ना जल्दी जल्दी की ट्रिमिंग करने के लिए मुझे कुछ खरीदना था, दैट्स व्हाई आई गॉट इट। और क्योंकि इसकी ब्लेड डायरेक्टली स्किन को टच नहीं करती है, इट इज क्वाइट सेफ टू यूज ऑन सेंसिटिव एरियाज। इसके अटैचमेंट्स भी ऑफकोर्स यू कैन यूज इफ यू वॉन्ट टू, मैं बिना अटैचमेंट के ऐसे ही यूज करती हूँ, और अभी तक 2 बार मैंने इसे यूज किया, इट हैज वर्क क्वाइट वेल। नेक्स्ट मैंने Amazon से खरीदे थे ये फेस टॉवल्स गाइस, ये ना 2 टॉवल्स का सेट आया था, दीज आर द सॉफ्टेस्ट सॉफ्टेस्ट फेस टॉवल्स एवर। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब भी फेस वॉश करते हैं ना, मेरी पर्सनली आदत है बहुत जोर से अपना फेस ऐसे पोंछने की टॉवल से, और मेरे घर में बाथरूम्स में जो टॉवल्स है ना वो कॉटन वाले टॉवल्स होते हैं ना वो है, सो वो थोड़े से ना अब्रेसिव से फील होते हैं स्किन पे, दैट्स व्हाई आई गॉट दीज फेस टॉवल्स। ऑल्दो आई डू नॉट रेकमेंड दिस प्रैक्टिस, लेकिन अगर इसके साथ मैं जोर से भी अपने फेस को पोंछू ना तो भी ये बहुत सॉफ्ट फील होते हैं स्किन पे। द क्वालिटी इज रियली नाइस एंड बिल्कुल हैंड टॉवल वाले साइज के हैं ये, इनको मैं वॉश भी करा चुकी हूँ, जो सॉफ्टनेस है ना इट इज इंटैक्ट। थोड़ा सा क्लोज लुक मैं आपको दिखा रही हूँ इसका, देख के ही पता चलता है कि दीज आर लाइक रियली सॉफ्ट एंड वेल्वेटी। अब जो लास्ट एंड फाइनल चीज है ना अमेज़न की, वो ग्लासेस हैं गाइस। मैं एक ही ग्लास दिखाऊंगी, 6 का सेट आया था ये वाला ग्लास, इट्स जस्ट अ प्रिटी ग्लास गाइस। इसमें जो डिजाइन है उसकी एम्बॉसिंग करी हुई है, ये टेक्सचर है ग्लास में, और ये मैंने खरीदा क्योंकि मैं और अर्जुन एक रेस्टोरेंट में गए थे, इसी टाइप का इससे थोड़ा सा बड़ा ग्लास था जिसमें उन्होंने मेरी आइस टी सर्व करी थी, एंड आई फाउंड द ग्लास सो प्रिटी कि मैंने उसकी फोटो ली एंड आई वाज लाइक मैं इसे ढूंढने वाली हूँ, मुझे चाहिए ये वाला ग्लास। ये काफी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज पे अवेलेबल थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा था, जो मुझे सबसे ज्यादा ठीक ठाक प्राइस वाला लगा ना वो वाला सेट मैंने खरीदा, एंड हैवी है यार, मतलब ये ग्लास की जो क्वालिटी है ना इट इज क्वाइट Nice. मैंने ना एक डेलाइट में क्लिप लिया था ग्लास में पोर करते हुए कोक, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। I'm the kind of person जिसको glasses, mugs, sippers वगैरह हो गए ना, ये खरीदने का बहुत शौक है, and I was very happy with this purchase. Amazon से मैंने 2 cushions भी खरीदे थे, उसको मैं combine कर रही हूँ अपने H&M home के haul के साथ। इसमें मैं आपको अपने sofa की clips दिखाऊंगी, लेकिन एक ऐसा cushion cover है जिसको मैंने अभी तक use नहीं किया है, वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। Basically 2 cushions मैंने खरीदे Amazon से, एक 20x20 वाले size का था और एक 16x24 वाले size का था। Now 20x20 वाले क्वेश्चन के लिए ना दिस इज अ क्वेश्चन कवर, ये 2 मैंने खरीदे हैं, ये H&M होम से ही मैंने खरीदे हैं, और इसका प्रिंट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इसको अभी तक यूज नहीं किया है मैंने, जो यूज करा है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ मेरे सोफा वाले क्लिप्स में। मेरे जो नए वाले क्वेश्चन है ना वो ऐसे मैं सेट करती हूँ सोफा पे, यूजुअली जब कोई बैठता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को उठा लेते हैं बिकॉज बैठने की जगह थोड़ी कम सी बनी हुई है यहाँ पे दिख रही है, बट जब कोई नहीं बैठ रहा होता है तो इस टाइप की सेटिंग रहती है सोफा पे। ये वो नए कवर्स हैं जो अभी मैंने H&M से खरीदे हैं, एक तो ये डूडल प्रिंट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, 16x16 का है, और ये थोड़ा पिलो टाइप का कुशन है बट एग्जैक्टली पिलो का साइज नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है, तो उसके लिए ये वेलवेट वाला कवर मैंने खरीदा था, और इसमें ये ब्लैक कलर की लाइनिंग है, और दूसरा वाला ये बड़े साइज का 20x20 का कुशन है ये, और उसके लिए मैंने ये स्ट्राइप्स वाला लिया कवर। ओवरऑल साथ में जब मैं ये कुशन्स को ऐसे रखती हूँ ना तो इट एक्चुअली लुक्स क्वाइट कूल, बहुत अच्छा लगता है। H&M होम के जो कुशन कवर्स है ना वो एक्सपेंसिव है बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है, एंड प्लस जो प्रिंट्स है आई पर्सनली रियली रियली लाइक द प्रिंट्स दैट दे हैव। वेलवेट वाला छोड़ के जो बाकी का कुशन कवर्स है ना वो कैनवस वाला जो कपड़ा होता है ना उसके बने हुए हैं, अभी तक मैंने उन्हें वॉश नहीं किया है बिकॉज दे आर फेयरली न्यू, बट इनको थोड़ा सा डेलिकेट साइकिल में वॉश कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में। टू बी ऑनेस्ट जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी रिडिकुलस सी लगती हैं, स्पेशली वो जो वेलवेट वाला जो आपने देखा ना वो शायद 1400 कुछ का एक था, बट व्हेन आई ट्राइड टू लुक फॉर समथिंग सिमिलर इन अ लोअर रेंज मुझे मिला ही नहीं, और मुझे वो बहुत पसंद आया था, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ठीक है काफी लंबे टाइम के बाद मैं सोफा पे नए कुशन्स और कवर्स वगैरह लगा रही थी, सो आई स्पेंट अ बिट ऑफ मनी
एंड आई गॉट ऑल दीज कुशन कवर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम. आई जस्ट विश इनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती तो शायद मैं और भी खरीदती, बट ठीक है, चलता है. सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज माय रीसेंट नायका अमेज़न एंड H&M होम हॉल. आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया. एक और चीज मैं लास्ट में बताना चाहूंगी कि एक प्रैक्टिस है जो मैं फॉलो करती हूँ और आई थिंक मेरे बहुत काम आती है. जब भी मैं कोई नई फैब्रिक की बनी हुई चीज खरीदती हूँ ना, तो मैं कुछ एक चीज हटाती भी हूँ, डोनेट भी करती हूँ. फॉर एनी न्यू कपड़ा दैट आई बाय, बी इट घर के लिए कुछ हो या फिर मेरे खुद के भी जो कपड़े होते हैं वो हो, वो जब भी मैं खरीदती हूँ ना, तो मैं साथ में एक या दो ना डोनेट कर देती हूँ, ताकि मेरे घर में ढेर ना लग जाए कपड़ों का और चीजों का. सो दिस इज वन प्रैक्टिस विच आई फॉलो विच रियली वर्क्स फॉर मी. बस ऐसे ही रैंडमली शेयर करना था आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन नेक्स्ट फ्राइडे. शॉर्ट्स भी मैं रेगुलरली डाल रही हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.